यहाँ पे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं DRDO के कुछ मिसाइल सिस्टम के बारे में जो कि लगाए गए थे एयरो इंडिया में। यहाँ पे हम सबसे पहले QR SAM के बारे में बात करेंगे, जिसको लेकर जो एक रिपोर्ट है जेंस में पब्लिश हुई है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो इंडियन आर्मी है उसने जो अपने 5 ऑर्डर हैं QR SAM वेपन सिस्टम के वो दे दिए हैं BEL को। और अगेन यहाँ पे जो सोर्स कोड हुआ है वो ऑफिशियल है जो कि BEL के पवेलियन पे थे। तो अगेन ये जो इन्फॉर्मेशन है वो कितनी करेक्ट है उस पर कोई भी जो ऑफिशियल वर्ड है वो नहीं है, ना ही MOD की तरफ से और ना ही ऑफिशियली BEL की तरफ से। क्योंकि जो अगर ऑर्डर प्लेस हो गए होते और जिस तरह से MOD की प्रायोरिटी रही है आत्मनिर्भरता को लेके, तो कोई ना कोई जो ऑफिशियल रिपोर्ट है वो अब तक आ गई होती। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो एक लेटर ऑफ इंटेंट है वो मिल गया हो BEL को और अगले कुछ मंथ में जो ऑर्डर है वो ऑफिशियली प्लेस कर दिए जाएंगे, जो कि पहले से एंटिसिपेटेड था। QR SAM की बात करोगे तो जो पूरा यूनिट है वो किस तरह से काम करने वाला है उसको एक ग्राफिक के माध्यम से रिप्रेजेंट किया गया था एयरो इंडिया में। तो एक QR SAM वेपन सिस्टम में एक रेजिमेंट कमांड पोस्ट व्हीकल होगा, यानी कि RCPV, जो कि आपको दिख रहा है। टेक्निकली ये पूरे सिस्टम के ब्रेन के रूप में काम करेगा, ज्यादातर जो वेपन के कमांड है वो यहीं से किए जाएंगे। ये जो आपका RCPV होगा ये 3 बैटरी कमांड पोस्ट से जुड़ा होगा। और ये जो भी आपके बैटरी कमांड पोस्ट व्हीकल होंगे, ये जो सर्विलेंस रडार है बैटलफील्ड सर्विलेंस रडार, उनसे जुड़े होंगे ये तीनों ही BCPV। तो यहाँ पे जो BCPV होगा वो मल्टीफंक्शन रडार और जो मिसाइल लॉन्च व्हीकल है MLV उनसे कनेक्टेड होगा। जो आपके यहाँ पे CG दिख रहे हैं वो कॉम्बैट ग्रुप है, कोई इन्फेंट्री ग्रुप हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम को बनाया गया है ऑन द मूव जो भी आपका बैटलफील्ड है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। सो कहीं जो आपका एक कॉम्बैट ग्रुप है वो इन्वॉल्व है एक अटैक में और उनपे कोई एनिमी का जो एयरक्राफ्ट है वो स्ट्राइक करना चाहता है, तो उस केस में CG को डिफेंड करने के लिए जो आपका बैटलफील्ड सर्विलेंस रडार होगा वो टारगेट को पकड़ेगा। टारगेट यहाँ पे हॉस्टाइल है तो उसको लेके जो कैलकुलेशन है वो की जाएगी और उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो RCPV पे जाएगी बैटरी कमांड पोस्ट व्हीकल के द्वारा। क्योंकि एक बैटरी यूनिट के लिए जो बैटरी कमांड पोस्ट व्हीकल है वो ब्रेन के रूप में काम करेगा, तो उसकी इन्फॉर्मेशन जैसे वहाँ पहुंचेगी तो टारगेट पे फायर करने के लिए जो कमांड है वो दिया जाएगा और वहाँ से जो टारगेट की लोकेशन है वो BMFR भी ट्रैक करेगा। और जैसे मिसाइल फायर होगी तो उस मिसाइल को टारगेट तक गाइड करेगा जो आपका BMFR है वो। तो कुछ ये जो प्रोसेस है वो QRSAM की एप्लीकेशन में जाएगा। सिस्टम यहाँ पे सक्षम है किसी भी 2 मीटर स्क्वायर वाले RCS को पकड़ने में 80 से 90 किलोमीटर दूर। जो इसका सर्वेलेंस रडार है BSR वो सेम RCS के टारगेट को, यानी कि 2 मीटर स्क्वायर RCS के टारगेट को 120 किलोमीटर दूर पकड़ सकता है। यहाँ पे जो मिसाइल की इंटरसेप्शन रेंज है वो 30 किलोमीटर की है मैक्सिमम, जिसमें जो ऑल्टीट्यूड रहेगा वो 10 किलोमीटर का रहेगा। तो होपफुली जो इसके बारे में ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है वो जल्दी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो रिपोर्ट कोट की गई है वो अनऑफिशियली BEL द्वारा बताई गई है एयरो इंडिया के स्टॉल पे। तो ये तो बात रही QR SAM की। इसी पिक्चर में जो DRDO का स्टार है यानी कि सुपरसोनिक टारगेट वो आपको दिख रहा है और स्टार को लेकर भी कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आपको एयरो इंडिया में दिखी थी। तो जहाँ पे रेंज कोट की गई है वो 55 किलोमीटर से लेकर 175 किलोमीटर के बीच में रहेगी और अप टू 10 किलोमीटर का जो ऑल्टीट्यूड है वहाँ तक ऑपरेट करेगा। जो स्पीड रहने वाली है वो 1.8 से लेकर 2.5 मार्क के बीच में रहेगी और जो मैक्सिमम फ्लाइट टाइम है, मतलब जितनी देर तक इसका जो फ्यूल प्रोपल्शन है वो जलता रहेगा, वो 200 सेकंड का है। तो इसको शिप और ग्राउंड दोनों से लॉन्च किया जा सकता है और जो RCS रहेगा वो 0.2 से लेके 1.9 मीटर स्क्वायर के अराउंड रहेगा। इनिशियली अगर आप इसको टारगेट के रूप में इस्तेमाल करोगे तो जो फायरिंग है वो कैनिस्टर से की जाएगी और कैनिस्टर के अंदर जो कैटापल्ट है वो दिया गया है जो कि मिसाइल को बाहर फेंकेगा। तो बेसिकली ये कोल्ड लॉन्च मैकेनिज्म हो जाएगा और उसके बाद जो आपका बूस्टर है वो इग्नाइट होगा और फिर जो आपका LFRJ है वो सिस्टम को चलाएगा, जो कि इसको हेल्प करेगा सुपरसोनिक स्पीड को अचीव करने में और एक टारगेट के रूप में काम करने में। तो ये इसका टारगेट वेरिएंट है। अगर इसके मिसाइल वेरिएंट की बात करोगे तो वो भी प्लान में है, क्योंकि जो प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी है LFRJ वो आप वेरियस मिसाइल में अप्लाई कर सकते हो, स्पेशली जो लॉन्ग रेंज की मिसाइल है लिक्विड फ्यूल रैमजेट से वो आप ड्राइव कर सकते हो। तो जो एक अवैक्स किला है वो यहाँ से ड्राइव किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो प्राइमरी इंपॉर्टेंस है वो LFRJ प्रोपल्शन है, जिसको लेकर जो टेस्ट फायरिंग है वो जल्दी कंडक्ट की जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।